हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम जो है एग्जांपल करेंगे 7.1 एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। एंड अगर आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ प्रीवियस क्लासेस का, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ 7.1। कल लास्ट टॉपिक किया था हमने सिंथेटिक डिविज़न, डिवाइड 2x³ - 6x + 23। ये पॉलीनोमियल गिवन है क्यूबिक, हमें इसको डिवाइड करना है बाय x - 2 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। यानी हमें x - 2 से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करके। x - 2 इक्वल टू 0 पुट करके रखते हैं, हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 आता है। ओके, जब भी हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे x - 2 से दे दिया तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 लेके चलते हैं। नाउ वी राइट द कॉफिशेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x³ कॉफिशेंट 2, इसके बाद x² की टर्म आएगी जो कि मिस है, इसका कॉफिशेंट आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट x की का कॉफिशेंट -6 एंड लास्ट इज कॉन्स्टेंट 23। सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज, नाउ 2 × 2 4 ऐड करेंगे, 0 + 4 इज 4, देन 2 × 4 इज 8 ऐड करेंगे, -6 + 8 2 एंड 2 × 2 इज 4, देन 27। ये हमारा रिमाइंडर होता है, हमें इसको डिवाइड करना था तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज 27 एंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये आ जाएगा यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर को x² से। नेक्स्ट इज x 4x प्लस 2 इज कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर एंड ये जो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वन 6x4 + 11x² + 13x² - 3x + 32। 4 डिग्री की हमारे पास पॉलीनोमियल गिवन है, हमें इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है, कब इज डिवाइडेड बाय 3x + 4। जब हम इस पॉलीनोमियल को 3x + 4 से डिवाइड करेंगे देन हमें चाहिए इसका रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। देखिए बाय सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करना है, 3x + 4 ये हमें पॉलीनोमियल गिवन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x का जो मल्टीपल है वो आप 1 बनाइए, जैसे यहाँ पे 3 x का मल्टीपल है 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x + 4/3। ओके, नाउ वी डिवाइड दिस पॉलीनोमियल, x + 4/3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इससे डिवाइड करोगे 3 कॉन्स्टेंट हमने कॉमन ले लिया, देन इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4/3। नाउ वी राइट द कॉफिशेंट्स, x⁴6 कॉफिशेंट, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, -3 एंड 32। दिस इज़ अ कम्प्लीट पॉलीनोमियल, इसमें सारे टर्म्स गिवन है, कोई भी टर्म मिस नहीं है, एंड ये जो हमें गिवन थी इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म मिस थी। वही करते हैं, फर्स्ट नंबर इज एज इट इज, नाउ वी डिवाइड दिस बाय 6, -4/3 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6, 2 ये आ जाएगा -8। ओके, ऐड करेंगे दोनों को 3, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 3 इज 4/3, देन यहाँ पे आ जाएगा -3 से 3 कैंसिल, 4 7 ऐड करें, देन -4/3 मल्टीप्लाई बाय 9, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे 3 सा ये आ जाएगा -12, ऐड करेंगे -15, देन दिस मल्टीप्लाई बाय -15 -- प्लस हो जाएगा, और 3 से 15 कैंसिल होकर 5 × 4 = 20 प्लस का आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा 52। दिस इज रिमाइंडर, हमें चाहिए था क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो आ गया 52 एंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने जो डिवाइड किया था यहाँ से हम 3 कॉमन लिया था। ओके,
देन ये आ जाएगा 1/3. 1/3 क्यों किया? क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल को 3x+4 से डिवाइड करना है, बट हमने 3 को कॉमन ले लिया था, तो इससे भी क्योंकि डिवाइड जाएगा, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल लिखेंगे 6x^4 11x³ + 13x² - 3x + 32. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3x+4 से. इसको मैंने लिख दिया 3 × x + 4/3. इस फैक्टर से तो हमने डिवाइड कर दिया बाय सिंथेटिक डिवीजन, बट अभी हमारा 3 रिमेनिंग है, तो इसको जो है पूरी जो इक्वेशन है इसको हमें पॉलिनोमियल को 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. इसलिए जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. ओके, पॉलिनोमियल बनाइए. 4 डिग्री की थी तो यहाँ से 3 डिग्री आ जाएगा. 6x³ + 3x² + 9x - 15. दिस इज इक्वल टू 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x³ + 1 × x² + 3x - 5. दिस इज द क्वोशेंट ऑफ दिस पॉलीनोमियल. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. एक्स का मल्टीपल हमें 1 बना के सिंथेटिक डिवीजन करनी होती है, बट जो मल्टीपल है उसको लास्ट में आंसर को डिवाइड करना होता है. एग्जाम्पल इज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इक्वल टू -3. व्हेन वी डिवाइड दिस, अगर हम इसको एक्स इक्वल टू -3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. एक्स इक्वल टू -3 दे रखा है, इम्प्लाइज दैट x - -3 दिस इक्वल टू x+3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू निकाल के करते हैं. आप ऑलरेडी हमें गिवन है कि x = -3 से आप इसको डिवाइड कीजिए. सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है. -3 - 2 - 37 मिस कौन सी है? x वाले टर्म. तो इसका कोफिशियंट हम लिखेंगे. देखिए x² का आ गया 4^3^2^1 का जो आपके पास मिस है, और लास्ट में आ जाएगा -37. ओके, फर्स्ट टर्म इज एज इट इज 4 × 3 = क्योंकि माइनस का है 12 आ जाएगा, ऐड करेंगे -15. ओके, मल्टीप्लाई कीजिए -3 - 15 की, तो -- इज अ +45. दिस इज 43. देन हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आ जाएगा 129. ओके, ऐड करेंगे -129 एंड फिर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -- इज अ +, एंड नेक्स्ट इज अ 6 × 2 = 8 एंड 3, प्लस का हो जाएगा. अब इनको ऐड कर देंगे. ऐड कीजिए क्या आएगा यहाँ से, क्योंकि ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 0, 5 एंड 3, दिस इज अ रिमाइंडर. तो रिमाइंडर ये आ गया हमारे पास. हमें इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही थी जब हमारे पास एक्स इक्वल टू दे रखी है. क्वेश्चन क्या बताओगे इसका? क्वेश्चन इज 4x³ - 15x² - 43x - 129. दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ रिमाइंडर. एग्जाम्पल 4 इज गिवन दैट -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का x -4 रूट दे रखा है. फाइंड द अदर रूट, देन इसके बाकी के दो रूट निकालिए. टोटल रूट कितने बनेंगे? 3, बिकॉज इट्स डिग्री इज अ 3. नाउ -4 इज अ रूट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन देन x - -4 इक्वल टू x+4 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा. ओके, देन सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ कर लेते हैं, और क्यूबिक को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. तो सिंथेटिक डिवीजन से रूट्स बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं. -4 दे रखा है एक रूट, देन कोफिशिएंट लिखेंगे क्यूब का 2, स्क्वायर का 6, एक्स का 7 + लास्ट इज 60.
दिस इज एज इट इज माइनस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा 15 एंड इस किसके मल्टीप्लाई करोगे 16 जीरो। जब भी आपके पास रूट गिवन होगा तो वो उसको टोटली डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप माइनस फोर से सिंथेटिक डिवीज़न कर रहे हो और आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, दैट मीन्स आपकी सिंथेटिक डिवीज़न गलत है। यहाँ से इक्वेशन बनाइए, क्यूबिक थी तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2x² माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई थर्ड। यहाँ से क्वोशेंट आ जाएगा, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, जो सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमें मिलती है डिप्रेस्ड इक्वेशन बोली जाती है। नाउ इसकी फैक्टराइजेशन देखिए, मल्टीप्लाई 30 एडिशन माइनस 2, ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज अ 4 माइनस 4 इज सी माइनस 8 एंड 15 20 डिवाइड बाय 2a मीन्स 4। देन इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस करेंगे, देन माइनस का 116 डिवाइड बाय 4। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, मीन्स इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस ऑफ अंडर रूट से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो 2 आएगा एंड 4 टू जा 8 एंड 4 9 जा डिवाइड बाय 4। 2 कॉमन निकाल के काट दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 29 डिवाइड बाय 2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर रूट्स बताने हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से इक्वेशन को जैसे जैसे कम डिग्री के लेते आएंगे, जैसे क्यूबिक है तो स्क्वायरिंग आ जाएगी, 4 डिग्री है तो क्यूबिक आ जाएगी, फिर क्यूबिक से स्क्वायरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। फिर सॉल्व द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, टू रूट्स बीइंग 2 एंड 8, इसके दो रूट दे रखे हैं, आपको इसके दो रूट फाइंड आउट करने हैं। एक्स इक्वल टू 2 एंड 8 आर रूट्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, therefore x minus 2 and x minus 8 are two factors of first equation। सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं और इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, दो रूट दे रखे हैं तो पहले 2 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, एक्स फोर का कोफिशियंट 1, क्यूब का माइनस 20, फिर रखते हैं स्क्वायर 140 माइनस 400 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 384। कंप्लीट इक्वेशन है, अगर 4 डिग्री की है तो 5 टर्म आने चाहिए आपके। ओके, जितने भी आपके जितने डिग्री की क्वेश्चन होंगी उससे एक ज़्यादा टर्म आने चाहिए। फर्स्ट इज एज इट इज 2 इंटू 2 ऐड करेंगे माइनस 18 मल्टीप्लाई करो माइनस देन 401 इसके इसके मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसको ऐड करेंगे तो क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का बड़ा है माइनस आ जाएगा 29 एंड 1 देन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 43 एंड माइनस का बिकॉज दिस नंबर इज अ माइनस। ओके, ऐड करेंगे 0 क्योंकि ये रूट दे रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर ये इसके रूट दे रखे हैं तो सिंथेटिक डिवीज़न करते हो तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट क्योंकि 8 भी इसी क्वेश्चन का रूट है तो हम इसको 8 से भी सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं, 8 लिखेंगे यहाँ पे, दोबारा से करेंगे देन 1 एज इट इज 8 इंटू 8 ऐड करेंगे माइनस 10 8 इंटू 10 इज माइनस 18 ऐड करेंगे इसको 4 एंड 2 ओके मल्टीप्लाई कीजिए
ये एडिशन में आएगा, ये आ जाएगा ज़ीरो। ओके, अब जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे थी 4 डिग्री की इक्वेशन, जिसके हमने कॉफिशेंट लिखे हैं, इसके बाद हमने इसको 3 में रिड्यूस किया क्योंकि हमारे पास सेकंड रूट था, इसलिए दोबारा से सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई की। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगी, जो आंसर आएगा वो 2 डिग्री का आएगा। क्वेश्चन क्या आया यहाँ से, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस टेन इंटू एक्स प्लस 24। ओके, हमें चाहिए बाकी के दो रूट, क्योंकि इसने बोला है सॉल्व दिस इक्वेशन, दो रूट हमें गिवन थे, बाकी दो रूट चाहिए हमें, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देन डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हम लिखते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन मतलब जब हम रूट से सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं, उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 24 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई 24 एडिशन माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 6 माइनस 4 इज कॉमन, एक्स माइनस 6, देन एक्स की एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इक्वल टू 6 एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4। बाकी दो रूट हमारे हो जाएंगे 6 एंड 4, जो रिमेनिंग रूट्स थे 2 हमें गिवन। इफ अल्फा इज अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन आपके पास, वेयर पी क्यू एंड आर रियल, देन अदर टू रूट्स आर रियल इफ दिस कंडीशन इज हॉल्ट। एक रूट हमें गिवन है अल्फा, बाकी के दो रूट इसके रियल कब होंगे, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, चलिए अल्फा रूट गिवन है तो हम इसके डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीज़न कर लेते हैं। अल्फा रूट है, इसके कॉफिशेंट लिख लिए, एक्स क्यूब का वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पी, देन एक्स के क्यू एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज आर। फर्स्ट एज इट इज अल्फा इंटू वन इज अल्फा, ऐड करते हैं p प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन अल्फा p प्लस अल्फा स्क्वायर, एडिशन करिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा p प्लस क्यू, और थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा के मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे तो अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर p प्लस अल्फा क्यू, ऐड कीजिए इसको अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर पी प्लस अल्फा क्यू प्लस आर, दिस इक्वल टू ज़ीरो। ये रिमाइंडर ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि अल्फा हमें इस इक्वेशन का रूट गिवन है, इसलिए रिमाइंडर को ज़ीरो बनना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्यूबिक थी हमारी, जो रिमेनिंग इक्वेशन आएंगी, रिमेनिंग जो ये आपके पास आए हैं नंबर्स, इनसे इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी प्लस क्यू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू ज़ीरो। हमें ये बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे कब, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। ओके, देन इक्वेशन इज रियल इफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल रूट कब होते हैं, इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डी स्क्वायर इज पॉजिटिव, डी यहाँ पर डी निकालिए, डी क्या होता है, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देन डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, देन डी की यहाँ पे निकालिए, बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पी प्लस अल्फा को, देन पी प्लस इफ पी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन एंड सी इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी प्लस क्यू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से इसको, इफ़ पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू पी अल्फा
माइनस फोर एल्फा स्क्वायर माइनस फोर एल्फा पी माइनस फोर क्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो। पी स्क्वायर अकेली टर्म है यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसके बाद, इफ पी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर एंड फोर एल्फा स्क्वायर इज माइनस थ्री एल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट इज टू पी एल्फा एंड फोर पी एल्फा ऐड करेंगे माइनस टू पी एल्फा एंड फोर एल्फा स्क्वायर हमारा सॉल्व हो गया, माइनस फोर क्यू रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन टर्म्स को आगे पीछे लिख रखा है, वैसे सेम स्टेटमेंट है। पी स्क्वायर इसको हम यहाँ लिख देते हैं फोर क्यू, इसके बाद ले रखा है टू पी एल्फा, इस लास्ट में माइनस थ्री एल्फा स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव। ओके, देन हमने कंडीशन यहाँ पे शो करनी थी कि इसके रियल रूट कब होंगे, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। देन डिप्रेस्ड इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, इसके बाद हमने दिखाया कि इक्वेशन के रियल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, देन हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पॉजिटिव दिखा देंगे, कंडीशन हमारी यहाँ से आ गई। सेवेंथ एग्जाम्पल, इफ दिस पॉलिनोमियल हैज ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन, शो दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। मीन्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल को टोटली डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड करते हैं और आंसर और क्वेश्चन हम सॉरी रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, डिवाइड कीजिए, सबसे पहले जाएगा ए इंटू एक्स पे, ए एक्स क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इससे ए लैम्डा एक्स स्क्वायर एंड, अच्छा ये क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो आप इसको इधर लिख लीजिए ए लैम्डा एक्स स्क्वायर एंड वन से करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, माइनस कैंसिल आउट देन बी माइनस ए इंटू एक्स एंड इसको हम यहाँ पे लिख लेते माइनस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिल रही है, अब डिवीजन जाएगा हमारा माइनस ए लैम्डा, माइनस ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, दैट मीन्स माइनस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस ही आएगा माइनस लैम्डा ए इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ए लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस मल्टीप्लाई किया हमने माइनस ए लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स एंड माइनस ए लैम्डा, साइन चेंज कर देंगे प्लस, अच्छा यहाँ से सी कांस्टेंट भी हम नीचे लेके आते हैं, दिस इज सी कांस्टेंट, देन हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस ए माइनस लैम्डा स्क्वायर ए इंटू एक्स एंड यहाँ से सी प्लस ए लैम्डा विच इज़ ए कांस्टेंट। ओके, नाउ हमने कहा था कि ये इस इक्वेशन का सॉरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इसका ज़ीरो आना चाहिए, जब हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो जो रिमाइंडर आया हमारे पास उसको ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ से बी माइनस ए माइनस लैम्डा स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए लैम्डा, रिमाइंडर को जो हो ज़ीरो होना पड़ेगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, कंपेयर करेंगे बी माइनस ए माइनस लैम्डा स्क्वायर ए इक्वल टू ज़ीरो एंड सी प्लस ए लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है विच इज़ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स हमें लैम्डा की जो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा इज अ माइनस सी बाई ए। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ये वैल्यू जो है उठा के फर्स्ट में पुट कीजिए, पुट इन फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है बी माइनस ए
माइनस लैम्डा स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस सी बाय ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो। बी माइनस ए इक्वल टू, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, इधर आके इसको माइनस भी लिख सकते हैं या फिर इधर ही सॉल्व कर लीजिए, प्लस स्क्वायरिंग करेंगे प्लस एंड ये साइन रहेगा माइनस का, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू जीरो, ए के से कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हम करेंगे एलसीएम, देन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए एलसीएम इधर आके ज़ीरो, देन ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्लस का कैसे नहीं आ रहा जी, यहाँ पे ये प्लस का रहेगा बिकॉज हमने इसको साइन चेंज कर दिया था, यहाँ पे प्लस दिस प्लस एंड दिस प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से आंसर ए स्क्वायर राइट साइड पे जाके प्लस का और सी स्क्वायर माइनस का, यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए। लेट दिस फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय एंड एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स प्लस क्यूब, ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए है या अल्फा है, ए स्क्वायर से, ठीक है, एंड डिड्यूस दैट दिस इक्वल टू जीरो हैज़ टू इक्वल रूट्स, यानी इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट होंगे, कब, जब यह कंडीशन होल्ड करेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, गिवन पॉलिनोमियल इज, हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स प्लस क्यूब, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है एंड वी हैव टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर, दैट इज एक्स इक्वल टू ए एंड ए, इन दो नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एक्स माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब एक्स माइनस ए आर टू फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, अगर यानी फैक्टर नहीं कह सकते, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए एंड ए, दो वैल्यूज से हम इसको सिंथेटिक डिविजन से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, चलिए देखिए, बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन पहले हम ए से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट लिखिए 1, 3p एंड q, ठीक है, स्क्वायर की टर्म मिस है, देन यहाँ पे आ जाएगा 0, 3p एंड q, ओके, क्यूबिक है तो चार टर्म आएंगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे a, ऐड करेंगे a आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर आ जाएगा एंड एडिशन इज 3p प्लस a स्क्वायर, a से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3p a प्लस a क्यूब एंड इसको ऐड करेंगे देन a क्यूब प्लस 3p a प्लस क्यूब, दिस इज़ ए फर्स्ट रिमाइंडर, ये हमारे पास इसके फैक्टर गिवन नहीं है, हमें x माइनस ए स्क्वायर पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को सिर्फ डिवाइड करना है, ओके, तो रिमाइंडर तो रह गई, ये हमने r1 ले लिया, फिर से हमें x माइनस ए से फिर से डिवाइड कर सकते, x माइनस ए यानी कि a से फिर से डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन फॉर 1 एंड दिस इज a, ऐड करेंगे 2a एंड लास्ट इज, ये रिमाइंडर हो गया हमारा, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, अब हम इस पॉलिनोमियल को यानी कि यहाँ तक जो आपके पास है इसको ऐसे करेंगे डिवाइड, देन यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, देन सेकंड रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर, ऐड कर दीजिए 3 हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3p, दिस इज अ सेकंड रिमाइंडर, ओके, नाउ जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन इज
क्यूबिक स्क्वायर एंड वन डिग्री के, यानी कि एक्स प्लस टू ए, दिस इज द क्वोशंट। ओके, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ओके, अगर ये हमारा फैक्टर होता देन अलग क्वेश्चन बनता, बट यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि x माइनस ए स्क्वायर से एफ एक्स को डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे सिंथेटिक डिवीजन में, देन रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला होता है रिमाइंडर इक्वल टू फर्स्ट रिमाइंडर प्लस, फर्स्ट रिमाइंडर मीन्स जब हमने a से इसको पहले डिवाइड किया, एंड सेकेंड रिमाइंडर जब दोबारा ए से हमने इसको डिवाइड किया। ओके, प्लस फर्स्ट डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रिमाइंडर। ओके, फर्स्ट रिमाइंडर इज आर वन, आर टू इज अ सेकेंड रिमाइंडर, देन फर्स्ट रिमाइंडर देखिए यहाँ से ए क्यूब प्लस थ्री पी ए प्लस क्यू प्लस फर्स्ट डिवाइजर, पहले आपने ए से डिवाइड किया, दैट मीन्स ए से डिवाइड कर रहे हो तो एक्स माइनस ए, इस पॉलीनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, फर्स्ट डिवाइजर हो गया एक्स माइनस ए, एंड सेकेंड रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा आर टू की वैल्यू थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री पी। ओके, देन ये टोटल रिमाइंडर बनता है हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे ए क्यू प्लस थ्री पी ए प्लस क्यू प्लस मल्टीप्लाई कीजिए थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस थ्री ए क्यू एंड प्लस थ्री पी से करेंगे थ्री पी एक्स माइनस थ्री ए पी। ओके, ऐड कर लेंगे माइनस थ्री ए पी से माइनस थ्री ए पी कैंसिल, ए क्यूब एंड माइनस ए क्यूब टू ए क्यूब, क्यूब की टर्म और कोई नहीं है, स्क्वायर की भी नहीं है, थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है हैज़ टू इक्वल रूट्स, इसके दो इक्वल रूट होंगे कब, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, इफ़ क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने इसको x माइनस ए से डिवाइड किया एफ एक्स को, दैट माइनस x माइनस ए एंड x माइनस ए, ये इसके फैक्टर बनने चाहिए, अगर ये इसके फैक्टर बनेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, ये इसके रूट्स बनेंगे, a एंड a आर द टू इक्वल रूट्स। एफ एक्स हैज टू इक्वल रूट्स विच इज a एंड a, कब, इफ x माइनस ए स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिवाइड पॉलिनोमियल, या फिर इक्वेशन लिख लीजिए एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स हम इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, दस ये हमने एफ एक्स ले रखा है, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू जीरो ले, ठीक है, द एक्स माइनस ए स्क्वायर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तभी हमारे पास एफ एक्स के यानी इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे, इक्वल रूट बोला है तो ए और ए दो रूट इक्वल हो जाएंगे, और एग्जैक्टली डिवाइड कब करेगा, इफ रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, और रिमाइंडर हमने क्या फाइंड आउट किया, जब मैंने x माइनस ए स्क्वायर से सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पे डिवाइड किया, देन हमने टोटल रिमाइंडर ये फाइंड आउट किया, तो रिमाइंडर यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टू ए क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, एंड x कॉमन निकाल के थ्री भी कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करेंगे एक्स कॉन्स्टेंट टर्म को और एक्स के टर्म को, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू ए क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। अब कंडीशन देख लीजिए आप, क्यू और पी में हमने फाइंड आउट कर यहाँ पे शो करनी है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इफ
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2a³ = q, एंड यहाँ से आ जाएगा 3a² = -3p। ठीक है, देन 3 से 3 कैंसिल, a² = -p। यहाँ पे हमें क्यूब चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यू इसका क्यूब कर लेते हैं, देन a हमारे पास आ गया a² = -p। क्यूबिक बॉथ साइड, a³ = -p³, a6 हो जाएगा, बॉथ साइड क्यूब करेंगे तो a6 = -p³। और ये वैल्यू उठाएंगे, वैल्यूज आ गई हैं 2a³ = q एंड a² = -p। क्यूबिक बॉथ साइड a6 = -p³, एंड यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायर करोगे तो 4a6 = q². ठीक है, ये a की पावर 6 यूज़ कीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे देन -4pq = q² एंड 4pq + q² = 0। ये चल रहा है हमारा f, यानी कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा जब रिमाइंडर को हम जीरो रखेंगे, और इनको सॉल्व करके हमने यहाँ से कंडीशन प्रूव कर दी। द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 7.1 कवर हो जाते हैं। एक्सरसाइज अगर अभी करने लगे तो लेक्चर जो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, बिकॉज एक्सरसाइज भी बहुत लेंथी है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। ओके, देन इसको आप ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।